हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। आज का पैटर्न देखिए, मैंने ये पिंक कलर से बनाया है। बहुत प्यारा सुंदर सा पैटर्न है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में बनाएं, लेडीज़ कार्डिगन में बनाएं, बहुत सुंदर लगेगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 13 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 13+13 करके, और 4 फंदे हम एक्स्ट्रा डालते हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। 8 लाइन का ये पैटर्न है और जब हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं तो रॉन्ग साइड में एक लाइन हमें बेस का बनाना होता है, जो कि हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे रॉन्ग साइड से। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए आज हम मिलकर इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए चूंकि हम 13 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं, तो यहाँ पर मैंने 13 के मल्टीपल में 26 फंदे डाल रखे हैं और 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। जब भी हम इस पैटर्न को बनाएंगे तो हमें 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने होते हैं, और पैटर्न को हम राइट साइड से ना शुरू करके रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट रो हमारी रॉन्ग साइड की होगी। देखिए, पहला फंदा हम स्किप करेंगे, 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से 2 फंदे सीधे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 फंदे सीधे, और ये एक हमारा एज स्टिच। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे एज एज स्टिच, 2 फंदे उल्टे। ये हर बार हमें इन 3 फंदों को इसी तरह से बुनना है। एक हमने स्लिप किया और 2 फंदे उल्टे। अब हमारे पास 11 सीधे फंदे हैं जिन पर हम पैटर्न को बनाएंगे। ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 2 फंदे एक साथ। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया है, देखिए, एक फंदा सीधा बुनने के बाद ये जाली बनाते हुए एक फंदा हमने बढ़ाया है और उसके बाद 3 फंदे सीधे बुने हैं, वो फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे। जाली बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बनाने के बाद हम फंदा को घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ, ये देखिए। आगे की तरफ से हमने 2 फंदे एक साथ बुन लिए, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 2 फंदे उल्टे। ये हमने 2 पैटर्न के बीच में गैप रखा है तो उल्टे फंदों का। फिर से 11 फंदे सीधे हैं, सेम उसी पैटर्न पे हमें बुनना है, एक सीधा, ऊन आगे, जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधा, 1, 2, 3, 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से, ये देखिए, आगे की तरफ से ये फंदा हमने घटा लिया। 5 फंदे सीधे बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 फंदे उल्टे और ये एक फंदा एज स्टिच। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 उल्टे फंदे हमने बुन लिए,
पिछली बार ये फंदा हमने हमारा दो फंदे बुनने के बाद आया था, यानी दो फंदे हमने एक में बुने थे। अब हम इसे इसके बाद वाले के साथ मिलाकर एक साथ बुन लेंगे। देखिए उल्टा एक फंदा हमने घटा लिया, एक उल्टा दो उल्टा, ये हमारा पिछली बार जाली बनाने वाला फंदा है। इसमें इससे पहले हम एक फंदा और बनाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया था तो यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे ताकि फंदे बराबर रहें। ये देखिए आगे की तरफ है हमारा ऊन, लपेट कर एक फंदा एक्स्ट्रा, एक उल्टा दो उल्टा, ये दो सीधे फंदे हैं। फिर से इन्हीं 11 फंदों को दोहराएंगे, पांच पहले उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, दो फंदे एक साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से दोनों एक साथ बुन लेंगे। फिर से एक उल्टा दो उल्टा, ये जाली वाला फंदा आ गया तो उससे पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, दो फंदे सीधे, और ये हमारा एज स्टिच। थर्ड रो हमारी पूरी हो गई। अब हमने फोर्थ रो बिनना है जो कि राइट साइड की है। पहला फंदा एज स्टिच और दो फंदे उल्टे, एक सीधा दो सीधा, दो सीधा बुनने के बाद एक और सीधा, तीन फंदे सीधे बुनेंगे और फिर जाली बनाए बनाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए दो फंदे एक साथ ताकि जो ये चेन बन रहा है ये टेढ़ा जाए। देखिए ये वाला इसमें क्लियर दिखेगा, ये वाला ये हम टेढ़ा पहले इस तरफ राइट ले जाते हैं और फिर लेफ्ट ले जाते हैं, अभी हम राइट ले जा रहे हैं। पांच फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, दो फंदे उल्टे, फिर से हमारे पास 11 फंदे हैं सीधे जिन पे हमें पैटर्न बनाना है। एक सीधा दो तीन, तीन फंदे सीधा बुनने के बाद एक जाली बनाकर एक सीधा, और ये दो फंदे एक साथ, ये चेन बन रहा है यानी इसमें दो फंदे एक साथ बुने जा रहे हैं तो इसे इसके आगे वाले फंदे के साथ मिलाकर फिर से बुन लेंगे, और ये पांच फंदे सीधे। पांच फंदे सीधे हो गए और ये दो उल्टा, ये हमारा एज स्टिच। फोर्थ रो हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ रो रॉन्ग साइड में है, कैसे बुनना है देखिए। ये पहला एज स्टिच, दो फंदे सीधे, ये तो हम हर बार बुनेंगे। पांच फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं। देखिए ये चेन वाला फंदा है, इसे इसके बाद वाले फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे। दो फंदे एक साथ, एक फंदा हमने घटा लिया तो एक फंदा बढ़ाना भी तो होगा, तो ये हम यहीं पर बढ़ा लेंगे क्योंकि ये पिछली बार हमने इस फंदे में बढ़ाया था तो हम इसके पहले वाले में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया लपेट कर, एक उल्टा दो तीन चार, दो सीधा, फिर से सेम एज 11 फंदे जो हैं हमारे पास उल्टे उन पे हम ऐसे ही बुनेंगे। पांच उल्टा पहले, 2 3 4 5, पांच उल्टा बुनने के बाद दो फंदे एक साथ, एक फंदा बढ़ाएंगे और बचे हुए चार फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4, दो सीधा एक उल्टा। सिक्स्थ रो है हमारी राइट साइड की। पहला फंदा हम स्किप करेंगे और दो फंदे उल्टे। अब देखिए ये जाली हमारा टेढ़ा जाते हुए इस सीधे
चेन के साथ मिल चुका है। तो अब हम इस तरफ जाली बनाना बंद करके इस तरफ जाली बनाएंगे। और ये जो अब हम अभी चेन वाला जो स्टिच है इसे हम राइट ले जा रहे थे, अब हम लेफ्ट ले जाएंगे। इसे कैसे सेट करना है, 5 सीधा, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब तक हम इधर बुन रहे थे, अब इधर 5 फंदे सीधे आ गए, 2 फंदे एक साथ। लेकिन अब हम दोनों फंदे एक साथ इस तरफ से नहीं बुनेंगे, पीछे की तरफ से, ऐसे फंदों को पलट कर और पीछे की तरफ से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा बचा है तो इससे पहले हम जाली बना लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से इधर भी शुरू हो गया, 2 उल्टा, फिर से 11 फंदों पर वैसे ही पैटर्न बनाएंगे, 5 सीधे, 2 3 4 5, 2 फंदे एक साथ। लेकिन अब हम बनाएंगे पीछे की तरफ से, 3 फंदे सीधे जाली बनाते हुए, 1 सीधा, यहाँ पे 2 उल्टा और ये 1 सीधा। 7th रो है हमारी रॉन्ग साइड की। पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है, 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 उल्टा, 2 उल्टा बनाने के बाद 1 फंदा एक्स्ट्रा बनाते हुए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारा चेन वाला स्टिच है, इसे इसके पहले वाले स्टिच के साथ मिलाकर बुनना है। अब तक तो हम ऐसे सीधा 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन रहे थे, लेकिन अब हमने चूँकि इसे लेफ्ट हमें टर्न करना है तो पहले फंदों को हम उल्टा ऐसे करेंगे और पीछे की तरफ से अभी हमने बुनना है ऐसे। ये देखिए ये फंदे पहले हमने उल्टा किए और इस तरफ से बुनेंगे ताकि आगे की तरफ चेन बने। 2 फंदे उल्टे हो गए और उसके बाद 5 उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर से 2 फंदे सीधे, यहाँ पर हमारे पास 11 उल्टे फंदे आ गए हैं। पहले हम 2 उल्टा बुन लेंगे, 1 फंदा एक्स्ट्रा, 1 2, और ये 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। पहले हम फंदों को पलटेंगे और पीछे की तरफ से उल्टा बुनेंगे एक साथ इस तरफ से ताकि आगे की तरफ चेन बने। 5 उल्टा, 1 2 3 4 5, 2 सीधा और ये हमारा एज स्टिच। 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 8th रो हमारा राइट साइड का है। पहला फंदा हम एज स्टिच रखे हैं उसे स्लिप कर लेंगे और 2 उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे एक साथ पीछे की तरफ से। एक सीधा, ये जाली हमने पिछली बार बनाई थी, इस बार यहाँ पर बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टा, फिर से इन 11 फंदों पर सेम ऐसे ही हमने बुनाई करनी है। पहले 5 सीधा, 2 फंदे एक साथ पीछे की तरफ से, 1 सीधा, जाली बनाते हुए 1 फंदा बढ़ाएंगे और 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 2 उल्टा, ये हमारा एज स्टिच। 8th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 9th रो हमारी रॉन्ग साइड की है।
पहले दो सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा, दो उल्टा, तीन उल्टा, और ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया, चार उल्टा। चार उल्टा बुनने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और दो फंदे एक साथ बुनेंगे पीछे की तरफ से। पहले हमने फंदों को पलट लिया और उसके बाद हम इन्हें पीछे की तरफ से बुन लेंगे एक साथ। पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। सेम उसी तरह से फिर से हमने 11 उल्टे फंदों पर पैटर्न बनाना है। एक उल्टा, दो उल्टा, तीन और ये चार, दो फंदे एक साथ। उससे पहले एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और इन दोनों को पहले पलट लेंगे फंदों को और पीछे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो राइट साइड की तरफ चेन बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। ये दो एक साथ हमने फंदे बुन लिए और पांच फंदे उल्टा। दो सीधा और ये हमारा एज स्टिच। देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसे जब हम और आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का नज़र आने लग जाएगा, ये देखिए। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।